ओ भाई साहब, मत पूछो यार। आज 1 दिसंबर है और ये महीने की शुरुआत खून खराबे वायलेंस से हो चुकी है और ये पूरे महीने भर चलने वाला है, क्योंकि आज ट्रेलर लॉन्च हो चुका है सालार द चेज फायर 1 चैप्टर 1 का, जिसमें भैया लगातार 3 फिल्में फ्लॉप देने के बाद हमारे प्रभास भाई रिटर्न कम बैक कर रहे हैं अपनी सालार फिल्म से। और वो एक्शन, वो खून खराबा, वो वायलेंस, इसमें भी डायलॉग वायलेंस है, आप सोच नहीं सकते कि इस फिल्म का इस बॉलीवुड इस इंडियन इंडस्ट्री पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। चलो इसी बारे में आज बात करते हैं। आपको पता है 2 साल से ये फिल्म बन रही है और लोग हाइप बना रहे थे कि इसका संबंध जो है KGF से है, जबकि उसके डायरेक्टर ने खुद ये कह दिया है कि इसका KGF से कोई लेना देना नहीं है। ये कहानी दो दोस्तों की है, प्रभास और पृथ्वीराज की। प्रभास जिसका नाम देवा होता है, मुझे लगता है ये बहुत गरीब होता है, और पृथ्वीराज ये एक अमीर गैंगस्टर का बेटा होता है। जो बचपन में दोनों बिछड़ जाते हैं और बाद जब उसका बाप बूढ़ा हो जाता है तो मुझे लगता है कि वो उसको राजा बनाना चाहता है, और जिसके विरुद्ध में रसिया, मंगोलिया, दुनिया भर के जितने भी गैंगस्टर हैं उसके साम्राज्य पे राज करना चाहते हैं। आपने ट्रेलर में देखा ही होगा, इसी के अराउंड होगी। लेकिन जो KGF मूवी थी ना दोस्त, वो कैंसर थी जो लोगों के दिमाग से, शरीर से नहीं निकल पाई, ना निकलेगी। ये भले से अगर प्रशांत नील के डायरेक्टर ने कहा है कि इसका KGF से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुझे लगता है पूरा KGF की तरह, बचपन, दोस्ती, एक साम्राज्य, गैंगस्टर, सब तो कुछ तो वही है भाई। क्या दिखाना चाहते हो? म्यूजिक भी वही है, डायलॉग भी लास्ट में मारता है अंग्रेजी में ऐसा, उसमें मारा था वायलेंस वायलेंस वायलेंस, इसमें वायलेंस भी काइंडली हम्बल वगैरह। खैर ये मूवी मुझे लगता है इस साल की सबसे बड़ी जवान पठान सबका रिकॉर्ड तोड़ने वाली। हाँ, और इसी के साथ एक मूवी रिलीज हो रही है डंकी, मुझे लगता है उसका डंका बज जाएगा। सो देखते हैं। मेरे हिसाब से ट्रेलर ठीक ठाक था, बेस्ट तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक था। ओके, और हाँ यार, अगर चैनल पे आ ही गए हो, इतना वीडियो देख लिए हो, तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ओके, थैंक यू।